नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वन अधिकार कानून 2006 के बारे में। वन अधिकार कानून, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानून है जो 2006 में हमारी केंद्र सरकार द्वारा लाया गया। 2008 से जम्मू कश्मीर को छोड़ के यह कानून पूरे देश में लागू किया गया। आज भी भारत में लाखों की तादाद में ऐसे समुदाय हैं जो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए और अपनी आजीविका के लिए वनों पर आधारित हैं। इनमें से कई तो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं और कई ऐसे अन्य समुदाय हैं जो अपना गुजर बसर वनों के उपयोग से करते हैं। इस उपयोग को कानूनी मान्यता देने के लिए ही वन अधिकार कानून बनाया गया है। कानूनी मान्यता देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि इन समुदायों को अपने उपयोग से वंचित ना किया जा सके, जैसा कि हमारे देश में होता आ रहा है। बल्कि 2002 में इस कानून की मांग भी जनता के बीच से ही उठी थी। वन समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के अलावा वन संरक्षण की जिम्मेदारी भी यह कानून इन समुदायों को देता है। आज इस कानून को लागू हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए। पूरे भारत में 56 लाख एकड़ से अधिक वन भूमि पर अधिकार दिए जा चुके हैं। इस कानून के अंतर्गत हिमाचल में केवल आधे एकड़ से कम भूमि में अधिकार दिए गए हैं। ऐसा क्यों? शायद इसलिए शुरुआती दौर में हिमाचल सरकार को ये गलतफहमी थी कि ये कानून यहाँ पे लागू नहीं होता या हिमाचल में इसकी आवश्यकता नहीं है। 2009 में हिमाचल सरकार ने इस कानून को केवल अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लागू किया। इसमें चंबा का पांगी और भरमौर वाला इलाका, किन्नौर और लाहौल स्पीति ज़िले शामिल हैं। 2012 में जन संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और केंद्र सरकार के दबाव के कारण इसको पूरे राज्य में लागू किया गया। 2012 का यह कदम सही दिशा में था, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में जहां 90% जनता आज भी ग्रामीण इलाकों में स्थित है, वनों के आसपास रहती है, यह कानून बिल्कुल लागू होता है। 2014 तक इस कानून के अंतर्गत हिमाचल में राजस्व ग्राम स्तर पर 16,000 से अधिक वन अधिकार समितियाँ बनाई गई। वन अधिकार समिति, फॉरेस्ट राइट्स कमेटी या FRC आपके गांव में भी बनी होगी, परंतु FRC का काम क्या है, इसके अधिकार क्या है और FRA लागू करने में FRC की क्या भूमिका है, इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस कानून के अंदर किसको अधिकार मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे और FRC की क्या भूमिका रहेगी। तो आइए पहले ये समझते हैं कि यह कानून किसके लिए है। यदि आप अनुसूचित जनजाति समुदाय की श्रेणी में हैं और 13 दिसंबर 2005 से पहले अपनी आजीविका के लिए किसी भी वन भूमि का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस कानून के अंतर्गत फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने अधिकार दर्ज करा सकते हैं। यदि आप गैर अनुसूचित जनजाति या अन्य या सामान्य समुदाय से हैं और 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों या 75 सालों से वन भूमि पर अपनी आजीविका के लिए आश्रित हैं, तो भी आप इस कानून के अंतर्गत अधिकारों का दावा कर सकते हैं। इस कानून की धारा 3(1) के तहत किसी भी वन आश्रित समुदाय को 3 प्रकार के अधिकार दिए हैं। निजी दावे पेश करने का अधिकार, इसमें व्यक्तिगत उपयोग के लिए अधिकार शामिल हैं, जैसे खेती और रिहाइश का उपयोग। यह दावा फॉर्म क भर के FRC को जमा किया जाता है। सामूहिक अधिकारों के लिए दावे पेश करना, वाजिबुल अर्ज में शामिल हक बर्तन के अधिकार, जैसे जलावन की लकड़ी लाने या घुमंतु पशुपालों को के अधिकार, जड़ी बूटी या अन्य लघु वन उपयोग के अधिकार इसमें शामिल हैं। यह दावा करने के लिए फॉर्म ख को भरा जाता है। धारा 3(1) में ही तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, परंपरागत सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, पुनः उत्पादन, संरक्षण व प्रबंधन का अधिकार। धारा 3(2) में वन भूमि पर 13 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव पारित करने का अधिकार ग्राम सभा के पास है। यदि वन भूमि का क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम हो और 75 से ज्यादा पेड़ न कटने वाले हों। दावों पर कार्यवाही की प्रक्रिया, वन अधिकार समिति या FRC के गठन के बाद दावेदार वन अधिकार समिति या ग्राम सभा को अर्जी देंगे। वन अधिकार समिति अर्जी की जांच करेगी और ग्राम सभा को भेजेगी। ग्राम सभा प्रस्ताव पास करेंगी और उप
उपमंडल स्तर कमिटी को भेजेंगे। उपमंडल स्तर समिति सभी प्रस्तावों को इकट्ठा कर उनकी जांच और विवादों की सुनवाई करेगी। उपमंडल स्तर समिति द्वारा तैयार किए गए दावों और दस्तावेजों पर जिला समिति अंतिम रूप से विचार करेगी तथा पट्टे जारी करेगी। यह कानून लोगों को जमीन से जुड़े अधिकारों को सुनिश्चित करने का एक मौका देता है, इसलिए हमें इसकी पूरी जानकारी हासिल करके सही तौर पर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप उक्त सरकारी दफ्तरों से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हिमाचल वन अधिकार मंच, जो कि इस कानून के बारे में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है, इसके निम्न सदस्यों से भी संपर्क कर सकते हैं।